अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। मित्रों, विगत कार्य समिति के बाद आपने काशी में काशी विश्वनाथ धाम के भव्य उद्घाटन के कार्यक्रम को भी अपनी आंखों से देखा होगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन होने के बाद प्रतिदिन 1,00,000 श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने के लिए काशी में आ रहा है। और काशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने नाम को सार्थक कर रहा है। आज काशी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नैमिष धाम, सुखतीर्थ, वे सभी तीर्थ एक बार फिर से एक नई अगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन स्थितियों में हम सबको आगे बढ़ना होगा। साथ साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा कार्य समिति के माध्यम से अब इस संकल्प को लेकर के चले। 2024 के चुनाव की भावभूमि अभी से हमें तैयार करनी होगी। अगर जनता जनार्दन ने हम सबको कोरोना कालखंड में किए गए परिश्रम, किए गए कार्य, सेवाई संगठन के इस लक्ष्य को प्रदान करने में हमें सफलता प्रदान की, तो साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का परिणाम चुनाव में हमारे सामने आया है। लेकिन हमें अभी 2024 के लिए अपने आप को अभी से तैयारी करके आगे बढ़ना होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हमें साबित करना है उत्तर प्रदेश 75 सीटों का लक्ष्य लेकर के अभी से आगे बढ़े कि उत्तर प्रदेश में 75 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जिता करके भेजेगी। इस लक्ष्य को लेकर के हम सब कार्य करेंगे। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने नई सरकार ने अपने कार्यक्रम को फिर से प्रारंभ करते हुए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है आपने विगत 1.5-2 महीनों के अंदर देखा होगा। रामनवमी का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है। हनुमान जयंती का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है। रमजान के महीने में अलविदा की नमाज के दिन सड़कों पर ईद नमाज न होना यह उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार संभव हो पाया है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए स्थान जो उनका इबादत गाह है, मस्जिद है, ईदगाह है, वहीं पर धार्मिक कार्यक्रम या मजहबी कार्यक्रम हो पाएंगे, सड़कों पर नहीं होंगे। और इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि जो अनावश्यक शोरगुल था उस शोरगुल से कैसे मुक्ति मिलती है, कैसे 70,000 से अधिक माइक जो धर्मस्थलों पर लग करके पहले तमाम लोगों को परेशान करते थे, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई नवजात शिशु है, और लगभग 60,000 माइक की आवाज परिसर तक सीमित हो जाना, ये अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जिसे लेकर के लोग मानते हैं कि वास्तव में जिन बातों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा होता था, माइक कभी दंगा का कारण बनता था, माइक कभी अराजकता का कारण बनता था, माइक कभी दो पक्षों में आपसी तनाव का कारण बनता था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्वतः स्फूर्त भाव के साथ ही उतरते हुए दिखाई देते हैं।